बढ़ती असामाजिक गतिविधि के साथ लगातार हत्या की घटना से आक्रोशित राजीव नगर व गया नगर क्षेत्र के वासियों ने पार्षद नरेंद्र बंजारे के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर इस अप्रिय घटना व आपराधिक तत्वों पर अंकुश लगाने की मांग। दुर्ग शहर में बीते दिनों हुई हत्या की घटना में गंभीर अपराध में लिप्त विजय चंद्राकर की हत्या महज लेन देन का मामला नहीं है, बल्कि ये नशे जैसे अवैध धंधों व रंगदारी से जुड़ा हुआ मामला है, जिससे आक्रोशित व दहशत में वार्ड वासियों ने वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे के नेतृत्व में सोमवार को दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुँच इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को रोकने व नशे के कारोबारियों में लिप्त गुंडागर्दी खत्म करने, असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर इस पर नकेल कसने दुर्ग जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि पार्षद नरेंद्र बंजारे ने बताया कि क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से पुलिस को सूचित कर रहे थे और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाली प्रवृत्ति के नशेड़ियों को दंडित करने पीड़ितों द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से आए दिन ऐसे असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है, जिसके कारण ये लोग खुलेआम राहगीरों को लूटपाट व रंगदारी करते घूमते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विजय चंद्राकर की हत्या की घटना केवल एक आपराधिक प्रवृत्ति के हरकतों से परेशान जन आक्रोश से उपजा नतीजा है और अब इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में और अधिक आपराधिक घटनाएं और गंभीर होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही आगामी दीपावली का त्यौहार होने के कारण और ज़्यादा गंभीर घटना होने की संभावना है, जिसकी आशंका को आसपास के क्षेत्रवासी बेहद दहशत में ले रहे हैं, जिसके चलते सभी बड़ी गंभीर आपराधिक घटना पर समय रहते अंकुश लगाने राजीव नगर, गया नगर, शिवनगर, नयापारा, सारथीपारा, मठपारा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी। इस संबंध में पार्षद नरेंद्र बंजारे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। विगत दो वर्षों से वार्ड नंबर एक नयापारा से लेकर राजीव नगर चाहे मठपारा चाहे गया नगर क्षेत्र, ये दिन बर दिन धीरे धीरे प्रत्येक वर्ष एक अपराधियों का गढ़ बनते जा रहा है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि अवैध रूप से जो शराब, गांजा, ब्राउन शुगर और सट्टा जो अवैध रूप से लगातार पुलिस के संरक्षण में चल रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि शिकायत करने के बाद भी उन अपराधियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होता। आज आप लोगों को यहाँ आने की क्यों, और जो यहाँ आने का सबसे प्रमुख कारण है कि अभी परसों दो दिन पूर्व एक राजीव नगर में जो मर्डर हुआ उसका सबसे प्रमुख कारण था अवैध शराब, अवैध गांजा बेचने वाले जो गिरोह थे वो आपस में लड़ाई करके एक निर्दोष को मार दिया गया। ऐसी स्थिति में दिन भर जब नशे में रहता है तो पूरे पारे मोहल्ले में लोगों को जो कभी तलवार दिखाना, कभी चक्कू दिखाना, कभी अन्य हथियारों से धमकाया चमकाया, पैसे की वसूली, रंगदारी की जाती है। इससे पूरे मोहल्ले और आसपास के क्षेत्र पूरे प्रभावित होते हैं। बच्चे लोग नशे के शिकार हो रहे हैं, कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आज पूरे मोहल्लेवासी लोग मिलकर आज कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत दर्ज कराने आए। क्या मांग है आपको? हमारी मांग यह है कि अवैध रूप से जो सट्टे और अवैध रूप से शराब और गांजे जो खुलेआम बिक रहे हैं, मैं खुद वार्ड का पार्षद, मेरे वार्ड में खुलेआम बिकता है, शिकायत करने के बाद पुलिस वाले आते हैं और पैसे वसूली करके चले जाते हैं आंखों के सामने, हम कुछ कर नहीं पाते। तो इसलिए आज हमने कलेक्टर महोदय से ये शिकायत करने आए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।